हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान अनुच्छेद 19 में थे। पिछले वीडियो में मैंने 19 एक का के बारे में चर्चा की थी, अब उससे आगे चर्चा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब जो मैं चर्चा करने वाला हूँ कि 19(1)(ख) के बारे में, अनुच्छेद 19(1)(ख) के बारे में, इसमें क्या दे रखा है? सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन सम्मेलन की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 19(1)(ख) जो है उसका जो निबंधन है वो है खंड तीन में इसकी निबंधन है। भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें सार्वजनिक सम्मेलनों, सभाओं एवं जुलूसों का अधिकार भी सम्मिलित है। ये स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति का ही अंग है। और देखा जाए तो सभा करने का अधिकार अगर नहीं होगा, अगर नहीं दिया जाएगा, तो व्यक्तियों को विचारों का आदान प्रदान करने का भी अवसर प्रदान नहीं प्राप्त होगा, नहीं हो सकेगा, और वो एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते जब तक ये अधिकार हम। शर्तें क्या क्या, देखिए शर्तें, देखिए क्या है शर्तें। पहली शर्त है कि कोई भी सभा शांतिपूर्वक होगी, शांतिपूर्वक सम्मेलन होगा, सम्मेलन या सभा शांतिपूर्वक, ठीक है। दूसरी बात यह है इसमें कि ये बिना हथियारों के होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए। अगर हथियार होंगे तो ये सभा का करने का अधिकार नहीं होगा। और तीसरी शर्त है, तीसरी बात है वो है कि वह देश की प्रभुसत्ता और अखंडता पर, वह देश की प्रभुसत्ता व अखंडता पर ठेस ना पहुंचाए, अखंडता पर कोई नुकसान ना हो, प्रतिकूल ना हो, अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, तब ये अधिकार दिया जाएगा सम्मेलन का या सभा का। अगला है संघ की स्वतंत्रता। देखिए संघ संघ या संगम की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धारा ये सॉरी अनुच्छेद 19(1)(ग) प्रदान की गई है, और जो खंड है इसका निबंधन वाला वो 4 है। इसमें ये कहा गया है कि भारत के समस्त नागरिकों को संस्था और संघ या सहकारी समितियां, संस्था संघ या सहकारी समितियां बनाने का स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और जो संघ है, संस्था है और समितियां बना सकते हैं, इसके साथ साथ इसमें निर्बंधन भी लगाए गए हैं। निर्बंधन ये है कि इस स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था के आधार पर, निर्बंधन देखिए जो निर्बंधन है वो लोक व्यवस्था के आधार पर, नंबर 1 लोक व्यवस्था के आधार पर, दूसरा नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर अगर नैतिकता के खिलाफ कोई कार्य होगा तब, और तीसरा है अखंडता, प्रभुसत्ता व अखंडता, अखंडता के आधार पर इस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। संघ की स्वतंत्रता व संघ बनाने की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता, देखिए संचरण की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संचरण स्वतंत्रता क्या है? ये अनुच्छेद 19(19)(घ) और अड़ा के बारे में अड़ा की बात की गई है, तथा इसमें जो निर्बंधन है वो खंड 5 में रखे हैं। खंड 5 में निर्बंधन दे रखे हैं, इसमें क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आबाद संचरण का जो स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी क्षेत्र में घूम फिर सकता है, टहल सकता है, आ जा सकता है, पूरी
पूरी स्वतंत्रता रहेगी, कहीं भी उसे रोका नहीं जाएगा। और ये जो अड़ा है 19 अड़ा में अनुच्छेद में, ये क्या है, भारत के राजच्छेद में किसी भाग में निवास करने की, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता है। वो जहाँ चाहे वो अपना निवास स्थान बना सकता है, वहाँ निवास कर सकता है, वहाँ जाकर बस सकता है, अपना घर बना सकता है। ये स्वतंत्रता 19 अड़ा में दी गई है ये स्वतंत्रता। और इस पर निर्बंधन भी लगाए गए हैं। निर्बंधन किस आधार पर लगेंगे, जो निर्बंधन है, निर्बंधन देखिए किस आधार पे है, इसके दो आधार निर्बंधन के। एक तो ये है कि नंबर एक, जनता के हित की बात है, जनता का अगर हित है वहाँ पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और दूसरा निर्बंधन है, दूसरे कैसे निर्बंधन जो है वो है SC और ST, SC ST जाती है उसके हित के लिए, अगर कोई कार्य हो रहा है या उससे अहित हो रहा है तो उस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए इस पर निर्बंध। अब 19(4) जो है वो निरसित है। अब 19(6) में देखिए, अनुच्छेद 19(6) और जो खंड है इसका निर्बंधन का, वो इसमें था 5, इसमें है 6 में है। इसमें क्या कहा गया है कि उपजीविका, कोई वृत्ति, कोई व्यापार कारोबार करने का अधिकार होगा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई वृत्ति, कोई उपजीविका, कोई व्यापार कारोबार करने का अधिकार होगा, कोई भी वो कारोबार कर सकता है जो प्रतिबंधित नहीं है। इस पर निर्बंधन क्या है, इस पर निर्बंधन सिर्फ एक है, जनता के हित के लिए, जनता के हित के आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की अनुच्छेद 19 के खंड खा, मतलब 19(1)(ख) से लेकर 6 तक ये चर्चा की मैंने। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की